आज तो मेरे साथ मौजूद है भागते रहो की स्टार कास्ट जो कि गणपति में आए हैं, वहाँ आशीर्वाद देने स्वागत करेंगे आप लोगों का। थैंक यू नमस्ते। सब बोलते हैं गणपति का आशीर्वाद लेने आते हैं और एक दुआ मांगते हैं, तो आप लोगों ने अगर पूछेगा बता सकें तो क्या दुआ मांग ली? दुआ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को मालूम है कि हमने क्या दुआ मांगी है और दुआ बताने से पूरी मिलती है, तो आप जानते हैं मुझे बताने की जरूरत। और मैं तो गणपति के पास 5 बार सिद्धिविनायक पैदल भी चल के जा चुका हूँ और घर पे भी बिठाता भी हूँ गणपति, तो मैं बस यही मांगता हूँ कि सबकी खुशी। एक चीज़ बोलेंगे, बड़ी अच्छी शुरुआत है यहाँ पे, इको फ्रेंडली गणपति है, इसको आप कितना सपोर्ट करते हैं और आप अपने अंदाज में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सुंदर लगे गणपति जी, पहले तो मैं कंफ्यूज थी बट जब मुझे पता चला कि इको फ्रेंडली गणपति जी है मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई थिंक एवरीवन शुड सपोर्ट इट बिकॉज एज यू नो हमारे नदियों की, हमारे समुद्रों की क्या कंडीशन हो रही है, कितना पोल्यूशन होता जा रहा है। मैं कभी कभी मरीन ड्राइव जाती हूँ दोस्तों के साथ तो देखती हूँ कि कचरा ऐसे यू नो बड़ा रहता है कोने में, विच इज़ रियली नॉट गुड फॉर आवर सिटीज़। सो वी ऑल शुड प्रमोट इको फ्रेंडली गणपति। मेरा भी सेम, यदि इको फ्रेंडली हो तो फिर पॉल्यूशन वाकई में पॉल्यूशन तो कम ही हो जाए और जो ये गंदगी भी कम हो जाए, तो इको फ्रेंडली को मैं भी सपोर्ट करता हूँ। आई होप इस बार मुझे जू बीच पे गंदगी ना आई जस्ट होप। आप लोग गणपति रखते हैं अपने घर पे? नहीं मैं नहीं रखती हूँ पर मेरा बहुत मन है। आप मैंने 5 बार गणपति घर पे बिठाया है बट अब थोड़ी भागम भाग ज़्यादा हो गई है, तो फिर मैंने कहा कि मैं फिर एक बार इस्टेब्लिश हो जाऊँ अच्छे से, फिर मैं गणपति फिर बैठाऊँ। एक चीज़ बोलना चाहेंगे, चल रहे थे कि आप पोरस में, आप साधा इंडिया कर रहे हैं, छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का सफ़र ये कैसा रहा? बहुत अच्छा था मेरे लिए, तो जो सारे मीडियम से सामान है मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि हर एक एक्टर का सपना होता है इतने बड़े पर्दे पर अपने आप को देखना। और आई एम सो ब्लेस्ड, थैंक यू गणपति बाबा, मेरा सपना पूरा कर दिया, आई एम जस्ट थैंकफुल। मुझे तो काम करके छोटे पर्दे पे बहुत मज़ा आता है और बड़े पर्दे पर तो ये तो मेरा ड्रीम ही था, कैनवास बड़ा हो गया यहाँ पे, बट अगर कैनवास बड़ा है और आपको सपोर्टिव अगर ऐसे डायरेक्टर हमारे साथ हों, प्रफुल्ल तिवारी जैसे डायरेक्टर, तो फिर आपको वो फील नहीं होगा कि आप बड़े पर्दे पे हैं क्या, सब नॉर्मल सा लगता है। चलिए, हम ऑल द बेस्ट बोलेंगे आप लोगों को, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लीज़ हमारी मूवी ज़रूर देखिएगा, अक्टूबर में आ रही है, याद रखिएगा, भागते रहो। वापस भागते रहो। मुंबई से इम्तियाज़।